भारत सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व से प्रचलित तीन कानून आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है, कुछ नई धाराएं इसमें जोड़ी गई है। कुछ अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, कई अपराधों में सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है। महिला संबंधी अपराधों पर सख्त कानून तैयार किए गए हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार्यता दी गई है। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा आई गोट कर्मयोगी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें नए कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई है। आम जनता भी इस ऐप को डाउनलोड करके इससे जानकारी प्राप्त कर सकती है। भारत सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व से प्रचलित तीन कानून आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है, कुछ नई धाराएं इसमें जोड़ी गई है। कुछ अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, कई अपराधों में सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है। महिला संबंधी अपराधों पर सख्त कानून तैयार किए गए हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार्यता दी गई है। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा आई गोट कर्मयोगी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें नए कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई है। आम जनता भी इस ऐप को डाउनलोड करके इससे जानकारी प्राप्त कर सकती है।